नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाड़ियों के जो वायरिंग मैनुअल रहते हैं उसको रीड करने से पहले उसकी जो बेसिक नॉलेज होती है, उसके जो कंपोनेंट लगे होते हैं, उसके कलर कोड्स, सबके बारे में हमें नॉलेज होगी तभी हम उस वायरिंग को अच्छी तरह से रीड कर पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कलर कोड्स की। अगर हमारे वायरिंग में वी लिखा है तो ब्लैक कलर की वायर होती है, वी आर लिखा है तो ब्राउन कलर की वायर, सी एच लिखा है तो चॉकलेट, डी जी लिखा है तो डार्क ग्रीन, जी लिखा है तो ग्रीन, एल लिखा है तो ब्लू कलर की वायर होती है, एल जी लिखा है तो लाइट ग्रीन कलर की वायर होती है, ओ ऑरेंज, पी पिंक और रेड, एस बी लिखा तो स्काई ब्लू कलर की वायर होती है, वी लिखा है तो वायलेट कलर, डब्ल्यू लिखा है तो वाइट कलर की वायर होगी, वाई लिखा है तो वो येलो कलर की वायर होगी। तो हमारे एक ही वायर में दो कलर होते हैं, जैसे एक बेस कलर रहता है, जैसे हमारा येलो बेस कलर है, और बीच में जो आ रही है वो ट्रेसर कलर होता है, इस तरह की वायरिंग मिलेगी। और अगर आपको इस तरह का कोई सिंबल मिलता है तो वो हमारा बैटरी का साइन शो करता है कि हमारी जो बैटरी की पावर वो जहाँ से आ रही है। तो ग्राउंड के लिए आपको इस तरह का सिंबल मिलेगा, तो जो इग्निशन स्विच के लिए आपको वायरिंग मैनुअल में इस तरह से मिलेगा, शो करेगा इस तरह से। तो हमारा कहीं भी कैपेसिटर होगा तो वायरिंग मैनुअल में इस तरह से आपको शो किया होगा। फ्यूज़ के लिए आपको सिंबल इस तरह से मिलेगा, और फ्यूज़ कितने एम्पेयर का है और कितने कहाँ पर उसकी लोकेशन है वो इस तरह से आपको लिखा होगा, F74 80 एम्पेयर का फ्यूज़। तो बल्ब के लिए जो वायरिंग मैनुअल में आपको इस तरह का सिंबल मिलेगा। तो हमारे सप्लाई जॉइंट रहते हैं जहाँ पे दो तीन वायर हमारा इकट्ठा जॉइंट रहता है, तो इस तरह से आपको शो किया होगा वायरिंग मैनुअल में। तो रिले के लिए आपको इस तरह से शो किया होगा। तो जो हमारे कनेक्टर रहते हैं जैसे C410F मेल फीमेल कनेक्टर है, और जो पिन है वो 10 नंबर बीच में आ रही है, तो इस तरह से वायरिंग मैनुअल में शो किया होगा। और मोटर के लिए आपको M लिखा होगा इस तरह से। अगर कहीं भी हमारा स्पीकर फिट हुआ है तो वायरिंग मैनुअल में आपको इस तरह से शो किया होगा। तो क्लॉक स्प्रिंग का आपको सिंबल इस तरह का रहेगा। और जो हमारे सेंसर रहते हैं उसके लिए आपको इस तरह का सिंबल रहेगा, और जो एक्चुएटर रहते हैं वो इस तरह से रहेगा। जो हमारी वायरिंग किस साइड से आ रही है, जैसे ये वायरिंग IP है, इंस्ट्रूमेंट पैनल की वायरिंग है, और EN इंजन वायरिंग हार्नेस है, ये इंजन कंपार्टमेंट की वायरिंग से आ रही है। तो देखिए जो हमारे वायरिंग हार्नेस को इस तरह से रहते हैं, जैसे ABS वायरिंग, EN इंजन वायरिंग हार्नेस, IP इंस्ट्रूमेंट पैनल, DD ड्राइवर डोर, CD को ड्राइवर डोर वायरिंग हार्नेस, RF रूफ वायरिंग हार्नेस, RD रियर डोर वायरिंग हार्नेस, और इसके बाद VD बैकडोर वायरिंग हार्नेस, CH चेसी, FE फ्यूल पंप, और GP ग्लो प्लग जो वायरिंग हार्नेस रहते हैं वो इस तरह से आपको रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जितनी भी महिंद्रा की गाड़ी हैं, लोगन और रेक्सटन को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियों में आपको मैक्सिमम इस तरह के सिंबल्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।